क्या बच्चों के फ्यूचर के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। दरअसल यूजीसी नेट परीक्षा जिसे कैंसिल कर दिया गया। सबसे अचंभित बात यह है कि यूजीसी नेट परीक्षा 18 जून को आयोजित की गई और 19 जून को ही एक ही दिन के अंतर पर रद्द कर दिया गया। इस परीक्षा में 11 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था जबकि 9 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने एग्जाम भी दिया था। एनडीए की ओर से 18 जून को देश भर में आयोजित की गई यूजीसी नेट 2024 जून सेशन के परीक्षा को शिक्षा मंत्री ने रद्द कर दिया है। एग्जाम में गड़बड़ी की आशंका के कारण परीक्षा को रद्द किया गया। साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीआई को दी गई। आइए जानते हैं एग्जाम के एक दिन बाद ही तुरंत परीक्षा को क्यों रद्द कर दिया गया। यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर सरकार को इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने गड़बड़ी पर जानकारी दी, जिसके बाद सरकार ने नीट यूजी विवाद के बीच फौरन एक्शन लेते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया गया। सीबीआई जांच के आदेश तक दे दिए गए हैं। शायद यह गड़बड़ी का ही संकेत है। पहले एग्जाम ऑनलाइन होते थे, इस बार ऑफलाइन परीक्षा कराई गई। 18 जून को आयोजित इस परीक्षा में 9,08,580 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। एग्जाम दो शिफ्ट में आयोजित किया गया था। कुल 83 विषयों के लिए यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन 18 जून को दो पालियों में किया गया था। परीक्षा में दो पेपर हुए थे। पहले शिफ्ट में एग्जाम सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक, जबकि दूसरे शिफ्ट में परीक्षा 3 बजे से शाम 6 बजे तक थी। परीक्षा का आयोजन देश भर के 317 शहरों में निर्धारित किए गए 1205 केंद्रों पर था। यूजीसी नेट परीक्षा 2024 जून सेशन के परीक्षा के लिए कुल 11,21,225 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 6,35,587 महिलाएं, 4,85,569 पुरुष और 59 थर्ड जेंडर कैंडिडेट शामिल थे। इसी तरीके से बार बार परीक्षाओं के रद्द होने से बच्चों के फ्यूचर खराब हो रहे। अब इस परीक्षा का आयोजन दोबारा कब किया जाएगा, इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से कोई जानकारी नहीं साझा की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संभावना जताई जाती है कि जल्द ही दोबारा परीक्षा आयोजित करने की जानकारी यूजीसी या एनटीए की ओर से दी जा सकती है। बहरहाल एक दिन में परीक्षा का कैंसिल होना खतरे से खाली नहीं है। कहा जा रहा है ये इस तरीके से बच्चों के साथ बार बार खिलवाड़ किया जा रहा, इस तरीके से एक दिन में परीक्षा को कैंसिल कराना सवाल खड़े करता है।